हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग ट्विटर के बारे में जानेंगे। अभी मॉडर्न टाइम में देखें तो सोशल मीडिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू भी अर्न कर पा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, आखिर ट्विटर कब बना था और इसके क्या यूजेस हैं और कौन कौन से इसमें नए फीचर्स एड हुए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर जुलाई 2023 से एक्स के रूप में पुनः ब्रांडेड एक ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग सेवा है, जो ट्विटर इंक के उत्तराधिकारी अमेरिकी कंपनी एक्स कॉर्प द्वारा संचालित है। ट्विटर पर पंजीकृत उपयोगकर्ता टेक्सेस द्वारा संचालित ट्विटर पर पंजीकृत उपयोगकर्ता चित्र वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। उपभोक्ता पोस्ट, लाइक, रिपोस्ट, टिप्पणी और उदाहरण का पोस्ट कर सकते हैं। अन्य पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सीधे संदेश भी यहाँ से भेजे जा सकते हैं। उपयोगकर्ता ट्विटर के साथ ब्राउजर और मोबाइल फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर के माध्यम से या प्रोग्रामिंग रूप से इसके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से बातचीत भी कर सकते हैं। प्रकार की बात करें तो निजी पर्सनल कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 21 मार्च 2006 में और मुख्यालय जो इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। और गणमान्य व्यक्ति हैं डोसी, अध्यक्ष इवान विलियम्स और विज स्टोन। उद्योग जो है मोबाइल सामाजिक नेटवर्क है। स्वामी जो इसको हैं एलॉन मस्क हैं। और जलस्थल जो है x.com है। एलेक्सा श्रेणी की है। जलस्थल का प्रकार मोबाइल सामाजिक नेटवर्क है। पंजीकरण आवश्यक है इसका और उपलब्ध इसके बहुत सारे भाषा हैं। आप जिसमें चाहें उसमें इसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ही बात करें तो ट्विटर की स्थापना मार्च 2006 में जैक डोर्से, नू ग्लास, बीज स्टोन और इवान विलियम सहित संस्थापकों में से समूह द्वारा की गई थी। बाद में उसी वर्ष जुलाई में लॉन्च किया गया। पूर्व मूल कंपनी ट्विटर इंक का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और दुनिया भर में इसके 25 से अधिक कार्यालय थे। 2012 तक 100 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता प्रतिदिन 340 मिलियन ट्वीट करने के लिए जिम्मेदार भी थे, जबकि सेवा स्वयं प्रतिदिन औसतन 1.6 मिलियन खोज क्वेरी संसाधन कर रही थी। 2013 में ट्विटर शीर्ष 10 सबसे अधिक देखी जाने वाली वेबसाइटों में से एक थी और इसे इंटरनेट का SMS के रूप में वर्णित किया गया। 2019 की शुरुआत में बात करें तो ट्विटर के पास 330 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता है। और हालांकि अब ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश ट्वीट अल्पसंख्यक उपयोगकर्ताओं से बातें हैं और 2020 से अनुमानित 48 मिलियन खाते हैं को अप्रमाणिक माना गया है। 2022 के अक्टूबर में प्रसिद्ध अरबपति एलॉन मस्क ने आश्चर्यजनक रूप से 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में ट्वीट का अधिग्रहण किया, जिससे उन्हें प्रभावी रूप से इसके CEO के रूप में मंच का प्रभाव बना दिया गया। दुर्भाग्य से अधिग्रहण से साइट पर घृणास्पद भाषण बढ़ गया, जिससे नकारात्मक प्रतिक्रिया भी वहां पे हुई थी। हालांकि 5 जून 2023 को लिंडा एकारिनो ने CEO का पद संभाला, जबकि एलॉन मस्क के अध्यक्ष और CTO के रूप में पद बरकरार रखा। और उसी वर्ष जुलाई में मस्क ने अपनी कंपनी को एक्स के रूप में पुनः ब्रांड करने के लिए प्लेटफॉर्म के प्रतिष्ठित पक्ष लोगों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना का भी खुलासा किया था। उपयोग की बात करें तो ट्विटर उपयोगकर्ता विभिन्न तरीके से अपना खाता अगेन अपडेट कर सकते हुए वेब ब्राउजर से अपना पाठ संदेश भेजकर अपना ट्वीट खाता अधिकृत कर सकते हैं और ईमेल या फेसबुक जैसे विशेष अंतरजाल अनुप्रयोग का भी प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। ट्विटर संसार भर में कई लोग एक ही घंटे में कई बार अपना ट्वीट खाता अगेन करते रहते हैं। इस संदर्भ में कई विवाद भी उठे हैं क्योंकि कई लोग इस अत्यधिक संयोजक जिस कारण उन्हें लगातार अपने बारे में ताज़ा सूचना देते रहनी होती है बोझ समझने लगते हैं। पिछले वर्ष संसार के कई व्यवसायों में ट्विटर सेवा का प्रयोग ग्राहकों को लगातार अघन करने के लिए किया जाने लगा। कई देशों में समाजसेवी भी इसका प्रयोग करते हैं। कई देशों की सरकारें और बड़ी सरकारी संस्थाओं भी इसका अच्छा प्रयोग आरम्भ हुआ है। ट्विटर समूह भी लोगों को विभिन्न आयोजकों और सूचना प्रदान करता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में दोनों दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आम जनता इसके लिए माध्यम से अपनी बात वहां तक पहुंचाई जाती है। और माइक्रो ब्लॉगिंग विख्यात हस्तियों को भी लुभा रही है। इसमें ब्लॉग अड्डा ने अमिताभ बच्चन के ब्लॉग के बाद विशेषकर उन्हीं के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग की सुविधा भी इसमें आरम्भ की है। और BBC और अलजीरा जैसे विख्यात समाचार संस्थानों से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ब्राक ओबामा भी ट्विटर पर मिलते हैं।
हाल के समाचार में शशि थरूर, ऋतिक रोशन, सचिन तेंदुलकर, अभिषेक बच्चन और शाहरुख खान आदि भी साइटों पर दिखाई दिए हैं। अभी तक ये सेवा अंग्रेजों में ही उपलब्ध थी, किंतु अब इसमें कई भाषाएं भी शामिल हो गए हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे ऐड भी हो रहे हैं। रैंकिंग्स की बात करें तो ट्विटर एलेक्सा इंटरनेट के वेब एहतियात विश्लेषण के द्वारा संसार भर की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट के रूप में श्रेणी में आई। वैसे अनुमानित दैनिक उपयोगकर्ताओं की संख्या बदलती रहती है, क्योंकि कंपनी सक्रिय खातों की संख्या जारी नहीं करता। हालांकि ब्लॉग के द्वारा ट्विटर को सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सामाजिक नेटवर्क के रूप में तीसरा स्थान दिया गया। इसके अनुसार मासिक नए आगंतुकों की संख्या मोटे तौर पर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है और मानसिक निरीक्षण भी काफ़ी हुआ है। हालांकि उपयोगकर्ता इसमें जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो और इसकी सुरक्षा की बात करें तो हाल ही के दिनों में ट्विटर अपने लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षाओं को भी अपना रहा है। तो ये थी ट्विटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे, और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।